नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली एग। उसके लिए हमने लिए हैं 7 अंडे। उनको हमने उबाल लिया है, छील लिया है, इस ढंग से 2 भागों में काट लिया है और लिया है हमने 4 चम्मच मैदा, 2 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर, 1/4 टीस्पून से कम लिया है नमक, 1/4 टीस्पून से कम लिया है लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून से कम लिया है काली मिर्ची पाउडर। चलिए इसे बनाते हैं। एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लोर और ये मसाले, नमक, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और ये काली मिर्ची पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इस ढंग से। हाँ, ये घोल तैयार हो गया हमारा। ये देखिए, आधा कप पानी लगा है हमारा और इस ढंग से घोल तैयार करना है जो चम्मच से आराम से गिर सके और ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। चलिए बनाते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे और उस पर फ्राई के लिए ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। ये गरम हो गया, गैस को थोड़ा स्लो कर लें और जो हमने बैटर तैयार किया है उसमें इन अंडों को इस ढंग से कोट कर फ्राई करेंगे। हाँ, इसी ढंग से धीरे धीरे डाल लें। इस घोल में मिक्स करके हमें फ्राई करना है। हमारे 4 से 5 मिनट लगेंगे, ये फ्राई हो जाएंगे और गैस को मीडियम कर दें। देखिए, एक साइड से अंडे हो गए हैं, इसे हम पलट देते हैं, ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। धीरे धीरे पलटें, ये फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में कम गैस करके। ऐसे ही हम बाकी अंडों को भी फ्राई करेंगे इस ढंग से। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। हमने 2 प्याज को 4 भागों में काट लिया है और इस ढंग से खोल लिया है। 2 शिमला मिर्ची को भी हमने इसी ढंग से बारीक काट लिया है। 8 कलियां मैंने लहसुन के लिए, उसे भी लंबा लंबा इसी ढंग से पतला पतला काटना है। 1 टेबलस्पून लिया है विनेगर, 2 टेबलस्पून लिया है रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून लिया मैंने टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून लिया है सोया सॉस, ये मैंने 1/2 टीस्पून देगी मिर्ची पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, 4 हरी मिर्ची को मैंने इस ढंग से काट लिया है पतला पतला, नमक आप स्वाद अनुसार लीजिए, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने वही वाली कढ़ाई ली है, उसका ऑयल निकाल दिया है सारा, उसे ऑन करेंगे और 2 चम्मच ऑयल डालकर उसे गर्म कर लेंगे। ये गर्म हो गया। सबसे पहले हम गैस को स्लो कर लहसुन डाल देंगे और चलाते हुए इसे हम इसका कच्चापन दूर होने तक भून लेंगे। हाँ, ये देखिए, ये हो गया है। अब इसमें हम गैस को तेज कर प्याज डाल देंगे। इसे भी हमने 20 से 30 सेकंड तक चलाते हुए भुनना है। ये भी हो गई है। अब इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, इसे भी हमने 20 से 30 सेकंड तक चलाते हुए भून लेंगे इसमें। ये भी हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे देगी मिर्ची पाउडर, ये बहुत अच्छा कलर देगी, और डाल देंगे हरी मिर्चें जो हमने बारीक काटी हैं, इसे भी मिक्स कर दें। हाँ, अब इसमें डाल देंगे नमक, आप स्वाद अनुसार डालें क्योंकि अंडों में भी डला हुआ है, 1/2 टीस्पून है ये। अब गैस को स्लो कर हम इसमें डाल देंगे रेड चिली सॉस, इसे भी मिक्स कर देंगे इस मसाले में।
डाल देंगे सोया सॉस। अब ये टोमेटो केचप डाल रही हूँ मैं, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। गैस को तेज कर लें। अब इसमें हम डाल देंगे विनीगर, उसे भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम अंडों को मिक्स कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर दें धीरे धीरे चलाते हुए। अब हमने जो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था उसका हमने एक घोल तैयार कर लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। इस घोल को हम इसमें मिक्स कर देंगे, तेज गैस करके पहले से मिक्स कर दें। अब तेज गैस कर हम 1 मिनट तक इसको पका लेंगे। ये हमने पका लिया, अब गैस को बंद करके इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारे चिली एग तैयार हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।